नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पंजाब में अवैध खनन मामले पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर अब है पंजाब की मान सरकार। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिद्धू ने अवैध खनन मामले पर अपनी ही पार्टी के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठाए थे। अब उन्हीं की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब की मान सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस रूपनगर में कथित अवैध रेत खनन को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगाकर अब सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। सिद्धू ने कहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान ने चुनाव से पहले बांस की तरह लंबे वादे किए जो अब अंदर से खोखले हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि केजरीवाल ने कहा था कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपए रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकालकर महिलाओं के बीच बांट देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल के और 20,000 करोड़ दूसरे साल के, यानी कि कुल मिलाकर 40,000 करोड़ हो चुके हैं, जिनमें से 2 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही लाभार्थियों को पहुंचे हैं। इसी तरह 39,700 करोड़ रुपए उनकी जेब में चले गए हैं। ये गंभीर मामला है और उन्होंने क्या क्या कहा है आरोप लगाते हुए, जरा सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू को। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से ठोके कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गए। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए सिर्फ 300 करोड़ दो साल। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी नाक के नीचे अवैध माइनिंग चल रही है, मंत्री ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, पंजाब सरकार के मंत्री, ऑफिसर्स, पुलिस सब इस काले कारोबार में मिले हुए हैं। इन दिनों इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग पर बैठकें हो रही हैं। दूसरी तरफ सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सिद्धू के आरोपों को बीजेपी हाथों-हाथ ले रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उनके बयानों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए जरा शहजाद पूनावाला को। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स देखनी है तो इनका उदाहरण देखिए। एक तरफ तो दिल्ली में सीट शेयरिंग की बातें कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, और पंजाब में कुश्ती कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो प्रियंका वाड्रा के बहुत करीबी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि वो इलीगल सैंड माइनिंग करवा रही है पंजाब में और संरक्षण दे रही है ऐसे माफियाओं को, और 39,000 करोड़ का स्कैम उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सिद्धू पहले भी मुखर रहे हैं। समस्या अब ये हो गई है कि अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को बिना बताए ही अलग से अपनी सभाएं कर रहे हैं। इसे लेकर उनको पंजाब के कई नेता चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन सिद्धू इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे सवाल ये उठ रहा है कि कहीं सिद्धू किसी बड़े सियासी फैसले की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रहे। वो बीजेपी में पहले रह चुके हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उनको आम आदमी पार्टी में जाने की भी चर्चाएं लगातार थी, वहां से ऑफर था ऐसा कहा गया था। मौजूदा हालात में इनकी संभावनाएं थोड़ी कम है कि वे आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। ऐसे में उनके अगले सियासी कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और इसी बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धू बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आखिर वो बीजेपी में लंबे अरसे तक रहे हैं और बतौर राजनेता उनकी पहचान बीजेपी की ही बनी हुई थी। चुनाव आज तक।